हाय दोस्तों, मैं हूँ लोकेश कुमार मीणा और एलके टेक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। टुकड़ों में बदली जवानों का जिस्म, दहला देगी सीआरपीएफ के हमले की आपको तस्वीर। जम्मू कश्मीर के पुलवा के गोरीपुरा गांव के इलाके के अंदर कल हुआ धमाका, यानी 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन हुआ धमाका, बहुत ही खतरनाक हुआ धमाका। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। आतंकियों ने क्या क्या की, सेनाओं के काफिले के पास आईआईडी का धमाका किया। इस हमले में हमारे भारत के 44 जवान, सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए हैं। इनमें से 42 जवान सीआरपीएफ के और 2 रोड ऑपरेटिंग पार्टी के जवान थे। 20 से ज़्यादा जवान घायल हो चुके हैं। उसके कफन से खून के दाग धुलकर जा रहे हैं। मेरे देश के नमक हराम अब खुलकर आ रहे हैं। क्या दोस्तों, कफन के खून के दाग धुलकर जा रहे हैं, मेरे देश के नमक हराम अब खुलकर आ रहे हैं। दोस्तों क्या होता है ना कि जब आप देख सकते हैं, आप सरकार क्या हुआ, किसी का बच्चा मर गया, किसी महिला का पति मर गया, किसी का दादा मर गया, किसी का क्या मर गया, कौन थे वो सही जवान हमारे को पता नहीं। एक दो हमारे राजस्थान के, अरे एक जिसमें से राजस्थान में से कोटा जिले का हेमराज मीणा जो शहीद होने में से एक जवान था। अब हमारे देश के नेता कहेंगे, हमारे देश के नेता लड़ेंगे गरीबी से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, आतंकवादियों से, मगर अभी नहीं आपस में लड़ना है। अभी तो उनको आपस में लड़ना है, उनको आपस में लड़ना है। ये भी दोस्तों एक शायरी बन गई, हमारे देश के नेता लड़ेंगे गरीबी से, भ्रष्टाचारी से, आतंकवाद से, मगर अभी नहीं, अभी उनको नहीं, मेरे को वोट चाहिए, सत्ता के ऊपर लड़ेंगे वो। इसको को छोड़ दिया, इसको जो आज हमला हुआ उसे छोड़ दिया, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। ट्विटर पर आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत सारी गुल्ली बॉय पर नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी के ऊपर बहुत से ट्विटर पर वीडियो आज आ रहे हैं। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक धमाका इतना तेज था कि सेना की गाड़ी के पर खच्चे उड़ गए। कई जवानों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, घायलों को अस्पताल ले जाया गया और धमाका इतना तेज था कि गाड़ियां के जगह जगह छेद हो गए। गाड़ियों के जो बोनट और छत के ऊपर सभी जगह, कहने का मतलब, छेद हो गए और कई घायल शहीदों जवानों को अस्पताल में ले जाया गया। और हमले में एक मेजर समेत 44 जवान शहीद हो गए। धमाके के बाद सड़क से धमासान हो गया, जगह जगह मलबा और हमारे बीच चीजों का शव मिला। पुलिस अधिकारियों ने माने तो हमले में 24 अर्धसैनिक यानी कि जिनकी अभी ट्रेनिंग चल रही थी, बल के जवान शहीद हुए। घायल जवानों को सेना 42 बेस अस्पताल श्रीनगर के वादा में ने कहा कि सीआरपीएफ के 92 और 17 और 45 बटालियन के 42 जवान बस में सवार थे। बस में 37 जवान, 3 एस्कॉर्ट, एक कमांडर और एक ड्राइवर था। तो दोस्तों इस हमले से किसी को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, मैं तो ये मानता हूँ किसी को कुछ प्रभाव। फेसबुक पर आप देख रहे हैं, फेसबुक पर बहुत सारे बच्चे डाल रहे हैं आज हमारे फेस में, नहीं आज याद करेंगे, एक महीने से याद करेंगे सब। अरे यार उनको जवाब दो, हमारा दूसरा इसराइल देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि नहीं, उनकी मार की आंख, उनको जवाब दो। हमारे क्या नेताजी जाएंगे उनके घर, रोएंगे, आंसू बहाएंगे, फिर परसों के दिन वापस सत्ता के ऊपर लड़ेंगे। और कुछ नहीं है, हमारे देश में यही एक कमी है, हमारे देश में बस यही एक कमी है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और शेयर।